لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے ہدایت بخشش لاؤ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين معافی چاہتا ہوں کچھ دیر ہوئی مجھے میں ابھی لاہور سے آیا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم 10-15 منٹ مجھے کیونکہ گھر پہنچا تھا تو میں 1:05 ہو چکے تھے تو بس جلدی تیار ہو کر آیا آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کی معافی چاہتا ہوں کل فیصل آباد میں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا عرس تھا اور رات کو منڈی فیض آباد میں جلسہ تھا پھر داتا صاحب حاضری دی اور واپس آیا ہوں جہاز کا ٹائم ایسا تھا کہ وقت پہ نہیں پہنچا وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آج کے جمعے میں ہم 3 ہستیوں کا عرس منائیں گے اور 4th ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے 28 صفر یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے 28 صفر بتائی جاتی ہے ریحان رسول سبط رسول شہزادہ بتول سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگ ان کی 5 ربیع الاول بتاتے ہیں زیادہ تر 28 صفر ان کی بارگاہ میں محبت کا ہدیہ دوسری ہستی امام ربانی امام مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ تیسری ہستی امام اہل سنت اعلی حضرت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی ہستی تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ تو ان چاروں کی بارگاہ میں تھوڑا ہدیہ آج پیش کروں گا پہلی بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں مگر دین تو قیامت تک رہنا ہے اور نبی کی شان یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ 3 کام اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا لوگوں کو پاک کرنا اور کتاب و حکمت سکھانا
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, तो उनकी उम्मत के उलमा औलिया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ये फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, उसकी तबलीग, तबलीग का मतलब पहुँचाने के लिए 4000 नबी आए थे, हर इलाके के लिए, अलग अलग बस्तियों के लिए। नबी पाक आखिरी नबी हैं, तो तबलीग का सिलसिला, दीन को फैलाने का सिलसिला जारी रहेगा, और ये उलमा और औलिया ये खिदमत करते रहेंगे। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मशहूर है, इन काना सहीहन, फरमाया उलमा व उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे, नबी नहीं होंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे नबियों ने किए। ये तशबीह मिन वजह कहलाती है, मैंने कई मरतबा आपको समझाया है। मसलन मैं किसी शख्स को कहूँ कि ये शेर जैसा है, तो शेर तो जानवर है, ये बंदा तो इंसान है, तो मैं इसको कहूँ ये शेर जैसा है, तो मुराद ये नहीं कि ये जानवर है या जानवर की तरह है, नहीं, शेर की बहादुरी मशहूर है, तो उसको शेर कहने का मतलब ये होगा कि ये शेर की तरह बहादुर है। बात समझ में आ गई? टाइम नहीं है वरना फैला के समझाता। तो नबी नहीं होंगे हुजूर की उम्मत के औलिया उलमा, मगर नबियों जैसे होंगे, काम वो करेंगे जैसे नबियों ने किए। दूसरी बात आपको ये बतानी है, कोई जाहिल वली नहीं होता। हमारे उर्दू वाले कहते हैं पीर और हैं, मौलवी और हैं, दोनों एक है। मौलवी पीरों के मुरीद होते हैं, पीर मौलवियों के शागिर्द होते हैं। ये जिसको उर्दू वाले कहते हैं ना चोली दामन का साथ, समझाने के लिए, यानी कोई भी जाहिल हरगिज़ अल्लाह का वली नहीं होता। हाँ, ड्यूटियाँ होती हैं अलग अलग, जैसे एक जगह थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी का मतलब फार्मूला क्या है, कानून क्या, एक जगह प्रैक्टिकल कराया जाता है कि उस पर अमल कैसे करना है। तो दरसगाहों में उलमा से पढ़ते हैं, खानकाहों में औलिया से अमल करना सीखते हैं। बात समझ? ये जो आजकल की खानकाहें, ये ना मुराद ले लेना, ये मुराद ना ले लेना, ये खानकाहों में अगर आज अहल लोग नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऐसे हैं। जो खानकाहें थी हमारी, वहाँ से कैसे कैसे लोग निकले, गजाली निकले, राजी निकले, रूमी निकले, जामी निकले, वो लोग। तो ये आपने दो बातें बुनियादी याद कर ली हैं। सबसे पहले सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, बेटी के बेटे हैं, और 12 इमाम जो मशहूर हैं अहले बैत के, उनमें ये दूसरे इमाम हैं। ये हज़रत इमाम हुसैन के भी इमाम हैं, हज़रत अली के ये पहले फ़र्जंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ख़ुद सैयद फरमाया, इन नबनी हाजा सैयदुन, फरमाए मेरा ये बेटा सैयद है। सैयद के माने सरदार के हैं, सैयद के माने, तो वो हम अहले ईमान के, कहिए जो जो मानते हैं कहें, वो हम अहले ईमान के। आजकल पता नहीं क्या माहौल हो गया, अहले बैत का जिक्र करें तो लोग कहते हैं ये तो शियों वाली बातें हैं, आपने उनको शियों के खाते में क्यों डाल दिया, शिया तो उनको सही मानते नहीं, हम अहले सुन्नत उनको सही मानते हैं।
और ज़िक्र अहले बैत करना ये शिया होने की निशानी नहीं, ये तो मोमिन होने की निशानी है। समझ आई? तो उनसे मोहब्बत हम पर लाजिम की गई है। क़ुरान में अल्लाह ने जो क़ुरान उतारा है उसमें नबी के अहले बैत की मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ की गई है। तो इनसे मोहब्बत रखना ये हमारे ईमान का सरमाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहज़ादे सर से लेकर सीने तक हू बहू शक्ल थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत इमाम हुसैन सीने से पाँव तक साफ शक्ल पाक हैं दोनों के मिलने से आया। आला हज़रत फरमाते हैं ना, ख़त्ते तौअम में लिखा है ये दो वरका नूर का। तो ये शहज़ादे हैं नबी पाक के। हुज़ूर ने इनको भी और इमाम हुसैन के लिए भी फरमाया ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो उनको तो नबी पाक ने जन्नत के नौजवानों की सरदारी दे दी। आज अगर कोई उनको नहीं मानता तो वो जन्नत में जाने का मुस्तहिक कैसे बनेगा? तो जो उनसे मोहब्बत रखेगा, उनसे प्यार करेगा, वही जन्नत में जाने का मुस्तहिक बनेगा। बावजूद इसके हम अहले बैत को मासूम नहीं मानते। मासूम नबी हैं और फरिश्ते हैं, ये मासूम नहीं है, मगर आला दर्जे के महफूज हैं, इनकी हिफाजत होती है। हज़रत इमाम हसन इतनी शान वाले होकर किताबों में है 25 मरतबा पैदल हज किया। अंदाज़ा कर कितने सखी थे, कितने करीम थे। दावत की कुछ लोगों की, खादिम जो ग़ुलाम था वो सालन लाया तो संभल ना सका, उससे सालन गिर गया, कपड़े लोगों के ख़राब हुए। आपने उसको ज़रा तेज़ नज़रों से देखा, जिसको आपकी ज़बान में घूर के देखना कहते हैं। वो भी आपका ग़ुलाम था ना, उसने आयत पढ़ी कुरान की, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा। गुस्से को पी जाते हैं वो लोग जो करीम होते हैं। आपने फौरन अपना गुस्सा ख़त्म कर दिया। उसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ कर देते हैं। फरमाया जा तुझे माफ़ किया। उसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। फरमाया अब तक तू गुलाम था, जा तुझको आज़ाद किया। सखी कितने थे, साइल का सवाल पूरा करते थे। एक शख्स मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझको इतने हज़ार दिरहम चाहिए। दुआ कर रहा था, आपने उसके ये आवाज़ सुन ली, घर गए, जितने पैसे थे लाके उसको दे दिए, अपने लिए एक दिरहम भी बाकी नहीं रखा। वो करीम, वो शान वाले। हुजूर ने फरमाया था मेरा ये बेटा सैयद है, अन करीब बहुत जल्द अल्लाह ताला मुसलमानों के दो गिरोहों में इसकी वजह से सुलह करवाएगा। हज़रत अली के बाद लोगों ने हज़रत इमाम हसन को खलीफा बना लिया। उधर शाम में हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए, दोनों तरफ मुसलमान। हज़रत इमाम हसन वो हस्ती, फरमाया मैं इख्तदार के लिए खूनरेज़ी करवाऊँ? नहीं। फरमाया सुलह कर लो ताकि मुसलमानों का खून ना बहे। ये हुकूमत छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, कितना बड़ा इसके लिए जिगरा चाहिए। मगर वो बड़ी शान वाले हज़रत सैयदा खातून जन्नत मखदूमाए कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के पास अपने दोनों शहज़ादों को लाईं। हुजूर इनको कुछ दीजिए। फरमाया हसन को मैंने अपना हिल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी शुजाअत दी है। तो ये नबी पाक के मज़हर हैं दोनों शहज़ादे।
हुजूर पर हकीकत पूरी हुई, जहूर इन दोनों शहजादों की ज़ात से हुआ। कैसे मुसलमान के नबी के इस शहजादे को भी जहर दे दिया, हज़रत को जहर दिया, आपकी आंतें कट कट के बाहर आने लगी। इमाम हुसैन आए, मुझे बताएं आपको किसने जहर दिया है। फरमाया, मेरा जो गुमान है कि ये काम किसका है, मैं तुझे अगर बताऊं तो तू क्या करेगा। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फरमाया, अगर वो ना हुआ तो उस वक्त भी तकलीफ़ के आलम में भी नाम जाहिर नहीं किया कि ऐसा ना हो, मेरा गुमान हो और उसका ये काम ना हो। लेकिन ये किस दर्जा एहतियात वाले लोग, किस दर्जा शान वाले लोग, अपनी वालिदा के कदमों में जन्नतुल बकी में आराम फरमा हैं। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए और उनके सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए। मुलूकियत शुरू हो गई, बादशाहत शुरू हो गई, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद आगे सिलसिला। इस तरह इस्लाम की बुनियादों को खुद मुसलमानों ने हिला दिया। करबला में क्या हुआ आप सुनते रहते हैं, फिर उसके बाद बनू उमैया का एक दौर, फिर बनू अब्बास का एक दौर, उनके बादशाह होते रहे। उनके जो भी काम वो तारीख में पढ़ें, तकलीफ़ होती है, कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। ये कमज़ोरी आती रही, हिंदुस्तान फतह हुआ, 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हकूमत की है। कितना अरसा? 800 साल। मुख्तलिफ ख़ानदान आते रहे, तुगलक आए, सलजूक आए, कौन कौन से आए, ख़ानदान ग़ुलामा वग़ैरह। आखिर में मुग़ल ख़ानदान का दौर शुरू हुआ। मुग़ल आज़म कहा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसको मुग़ल आज़म कहा जाता है। इस शख्स ने 9 रतन अपनी काबीना, 9 वज़ीर बनाए थे, छांट छांट के, उनमें मुसलमान भी, हिंदू भी, दूसरे भी। इसने दीन इलाही ईजाद किया, नया दीन, उसका नाम क्या रखा? दीन इलाही। अपने आप को सजदा करवाने लग गया, हिंदुओं से शादी जायज़ करार दे दी, गाय का ज़बीहा, उसको हिंदुओं को खुश करने के लिए कि वो गाय को अपनी माँ कहते हैं, बैल को अपना बाप नहीं कहते, लेकिन गाय को अपनी माँ कहते हैं, उसका पेशाब भी पीते हैं और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल वो उसने सारी चीज़ें उस दौर में आवाज़ बुलंद की जिस हस्ती ने, उसका नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी। अल्फ़ कहते हैं अरबी में हज़ार को, सानी दूसरा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 साल गुज़र गया था, दूसरा हज़ारा शुरू हुआ था, उसके आप मुजद्दिद हैं। मुजद्दिद जो दीन को ताज़ा करे, दीन की मिलावट अलग, दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। हज़रत इमाम रब्बानी ने आवाज़ हक बुलंद की। अकबर मर गया, उसका बेटा अबुल मुजफ़र नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, लाहौर में मकबरा उसका बना हुआ है, मकबरा जहांगीर, ये तख्त पर बैठा। इसने अपने बाप की तरह वही हिंदुओं से शादी, इसको एक लड़की पसंद आ गई थी, वो किसी और की बीवी थी, उस बंदे को मरवा के उससे शादी की, वो शिया थी, नूर जहां जिसका नाम, उसका भी मकबरा लाहौर में है। उसके लिए इसने क्या कुछ किया, हिंदुओं से क्या क्या कुछ किया। हज़रत मुजद्दिद साहब ने जब आवाज़ हक बुलंद की थी वो जारी रखी, इसने उनको बुलाया, मेरे दरबार में आओ। जो दरबार में आता था वो उसको सजदा करता था। कहावत ये थी लोगों की के ऊपर खुदा है, नीचे ये बादशाह है। हम अहले सुन्नत का कहना है अल्लाह हर जगह है, अल्लाह ऊपर का लफ्ज़ हम नहीं कहते, ऊपर वाला हम नहीं कहते, नीली छतरी वाला हम नहीं कहते, नीली छतरी बनाने वाला, ठीक है।
इसने जब बुलाया तो लोगों ने कहा वो तुझे सजदा नहीं करेंगे, जब वो सजदा नहीं करेंगे दूसरे देखेंगे तो फिर दूसरों को भी जरूरत हो जाएगी, वो भी सजदा नहीं करेंगे तो क्यों बुला रहा है उनको। तो उसने कहा ऐसा करो, बड़ा दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की दरमियान की छोटी खोल दो, उसमें झुके बगैर कोई गुजर नहीं सकता, जो अंदर दाखिल होगा उसको झुकना पड़ेगा, मैं उसी को सजदा समझ लूँगा। हज़रत इमाम रब्बानी तशरीफ़ ले गए, देखा दरवाज़ा बंद, खिड़की खुली हुई, आपने सर पहले दाखिल नहीं किया, पहले पाँव दाखिल किया, उसका ये ख्वाब भी टूट गया। उससे बात की, उसको समझाया, लेकिन वो बादशाह था, नशे में था, सरकारी दरबारी मुल्ला उसके पास थे पैसे के खरीदे हुए, उन्होंने कहा कि जी इनके साथ रियायत नहीं करो, उसने जेल में डलवा दिया। आप जेल में गए, वहाँ पर भी आप अल्लाह अल्लाह लोगों को दीन सिखाते रहे। उसने कहा ये तो मामला बिगड़ रहा है, इनके पैगाम तो जेल से भी आ रहे हैं। ग्वालियर जो इलाका है उसके कले में नज़र बंद कर दिया, ना कोई मिल सकता है, ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है, ताकि इनका पैगाम ना रुके, मगर हक की आवाज़ को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। हक ने बुलंद होना है, हक आया ही बुलंद होने के लिए। हजरत साहब ने वहाँ पर ग्वालियर के कले में बड़े बड़े जो सख्त किस्म के मुजरिम थे ना वो रखे जाते थे, हजरत ने उनको भी अल्लाह अल्लाह करना सिखा दिया, वो भी सारे आपकी सोबत में आके वली बन रहे थे। ये सारी रिपोर्टें उसके पास आ रही थी। फिर जहांगीर के साथ अजीब अजीब वाकयात होने लगे, लोग मुखालिफ होने लगे। ये जब बिस्तर पर लेटता तो इसको कोई उठा के बिस्तर से नीचे फेंक देता था, हैरान होता था कोई नज़र नहीं आता मुझे बिस्तर से कौन गिरा देता है। इसके साथ वाकयात होने लगे तो साथियों ने कहा वो जिसको बंद किया हुआ है ना उसको आज़ाद करो, अगर उसको आज़ाद नहीं करोगे तो अल्लाह वालों के गुस्ताख जो होते हैं उनके साथ रियायत नहीं होती, अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है। इसने पैगाम भेजा कि मैं आपको रिहा करता हूँ, उन्होंने कहा मैं रिहा नहीं होऊंगा, तुमने जो जो गलत काम किए हैं पहले वो ख़त्म करो, तुमने खुतबों में सहाबा का नाम लेना बंद कर दिया, तुमने गाय का ज़बीहा बंद कर दिया, तुमने ये हिंदुओं वाली जो रस्में ये सारी ख़त्म करो, फिर आऊँगा बाहर। उसको वो सारी ख़त्म करनी पड़ी। अल्लामा इकबाल कहते हैं गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो हिंद में सरमाया ए मिल्लत का निगाहदार। आपने वो काम किया वो इस्लाम की हिफाजत के लिए, दो कौमी नज़रिया कायम कर दिया, हिंदू अलग हैं मुसलमान ऊंची अलग, दोनों की कौमियत, दोनों का सिलसिला। रहते एक इलाके में हैं तो इसका मतलब एक नहीं है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये बहुत बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया। इल्मी तौर पर मकतूबात शरीफ, आप जो ख़तों के जवाब लिखते थे वो फ़ारसी ज़बान थी, आपने वो जो मकतूबात लिखे हैं अब उर्दू तर्जमा हो गया, अरबी भी आ गई, इंग्लिश भी, वो पढ़े जाएं तो पता चलता है कि आपने क्या दीनी खिदमात अंजाम दी। बड़ी शान थी, साहिब करामत थे, नक्शबंदी सिलसिले की शाख मुजद्दीदी आपकी नस्बत से कहलाती है, बड़ा आपका मकाम। यही हिंदुस्तान बिगड़ता रहा, बादशाह आते रहे इसी तरह माहौल बिगाड़ते रहे। फिर अंग्रेज़ ने इस हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमाया तिजारत के बहाने, ताजिर कहला के आए, तिजारत के बहाने आए, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करो, यहाँ पर सोना चांदी नगीने हीरे जवाहरात सारी दुनिया को मसाले ग़िज़ाएँ यहाँ से जाती हैं, यहाँ कब्ज़ा करो। उन्होंने आके कब्ज़ा जमाया, कब्ज़ा जमा कर उन्होंने दीन को बदलना चाहा, दीन को लोगों की ज़िंदगी से निकालना चाहा। 150 साल लगाया हिंद अंग्रेज़ ने,
ज़बान बदलो, लिबास बदलो, इनका कल्चर बदलो, इनकी सकाफ़त बदलो, इनको बेहया बनाओ। वो काम जो 150 साल में वो उस वक्त नहीं कर सके, अब वो टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं और हमारी कौम बिगड़ रही है। हमारी औरतों ने अपने लिबास बदल लिए, चुस्त पजामे, टाइट्स वो पहनने शुरू कर दिए, दुपट्टे गायब हो गए, बाल कट गए, पर्दा ख़त्म हो गया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगने लग गए। ये सारी साजिशें कोई छोटी साजिशें नहीं हैं, ये आपके अंदर से गैरत, हया, ईमान निकालने की साजिशें। ये ड्रामे क्या हैं, ये फिल्में क्या हैं? आपको इसीलिए कि आप इनमें गुम होकर गैरत से, हया से खाली हो जाओ। ये साजिशें हैं। जब 1857 की जंग आज़ादी मशहूर है, वो हिंदुस्तान वाले उसको गदर कहते हैं, मुसलमान भी थे, अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई। उस दौर में अंग्रेज़ ने मुसलमानों में से जज्बाए जिहाद और इश्क़े रसूल निकालने के लिए साजिशें की। दो काम, एक तो इनसे जिहाद का जज्बा निकालो, दूसरा इनसे नबी की मोहब्बत निकालो। जब तक मुसलमानों में नबी की मोहब्बत मौजूद है, इनको तुम बिगाड़ सकते नहीं। उन्होंने मौलवियों पीरों को ख़रीदा, मौलवियों पीरों को ख़रीदा। क्यों? कि पांच वक्त मौलवी के पास आते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं, उससे मसले पूछते हैं, हलाल हराम की बातें सीखते हैं, पीर साहब जो कह दें उनका कहना मानते हैं। तो पीरों को, मौलवियों को ख़रीदो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का दिन है, मस्जिद में बैठा हूँ, कुरान शरीफ सामने रखा, एक सुन्नी नहीं बिका, एक सुन्नी नहीं बिका। बिके लोग, सुन्नी नहीं बिका। बिके जिन्होंने, जो बिके उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, अंग्रेज़ को अल्लाह की रहमत लिखा, माज़ल्ला। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद को उन्होंने हराम करार दिया। जो बिके थे, फिर जिसका खाना उसी का गाना, जब वो बिक गए थे तो फिर उन्होंने वही बोली बोलनी थी। आज भी जो बिके हुए हैं, आपको पता ही है ना उनकी बोली क्या है। तो ये काम होने लगा, किताबें लिखी गईं। एक किताब है जिसका नाम है तक़वीयतुल ईमान, माना बनता है ईमान को क़ुव्वत देने वाली। मगर वो उस किताब को जो काफ़ के दो नुक्ते हैं, एक नुक्ता निकाल दे तो नाम हो जाता है तफवीयतुल ईमान, ईमान को फौत कर देने वाली किताब। उसमें नबी को माज़ल्ला चूड़ा चमार तक कहा गया, कहा गया नबी की तारीफ़ बशर की करो, एक आम इंसान की करो, वो भी थोड़ी करो। क्या मतलब? जब तक नबी की तारीफ़ होती रहेगी, लोग नबी से प्यार करते रहेंगे। जब तुम बताओगे नबी ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिया, जब तुम बताओगे नबी ने हाथ के इशारे से डूबे हुए सूरज को लौटाया, जब तुम कहोगे नबी उंगली का इशारा करते हैं, दरख्त चल के आते हैं, पत्थर पानी पे चल कर आते हैं, जानवर भी नबी का कलिमा, पत्थर भी कलिमा पढ़ते हैं, जब ये बातें बताओगे तो लोगों को तो नबी से मोहब्बत होगी। तो कहो कि नबी आम आदमी होता है, बस उस पर वही आती है और कोई फ़र्क नहीं, वो बड़े भाई जैसे, माज़ल्ला। इस तरह की जब बातें लिखी गईं, किसी ने लिखा जैसा इल्म गैब जितना, या जैसा इल्म गैब नबी को दिया गया ऐसा जानवरों को भी है, माज़ल्ला। किसी ने अपनी किताब में लिखा शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, माज़ल्ला। किसी ने लिखा आखिरी नबी, समझना नबी को ये अवाम का ख्याल है। इस तरह की बातें जब लिखी गईं, लोगों में किताबें छाप छाप के दी गईं, तकरीरें की गईं, अल्लाह ने बरेली में अहमद रज़ा को पैदा कर दिया। पाकिस्तान। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब बातें की जाने लगीं और इस तरह का सिलसिला जब बढ़ाया जाने लगा, आला हज़रत
बोरिए पे बैठ के क्या लिख रहे, सबसे औला ओ आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कह रहे हैं नबी की तारीफ एक इंसान की सी करो, वो भी थोड़ी करो। आला हजरत अरबी लिख रहे हैं, फारसी लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं। किताब छपती है, किताब 500 छपी, 1000 छपी, 2000 छपी, 5000 छपी, हर कोई पढ़ नहीं सकता। उन्होंने शायरी भी की, बादशाहों के कसीदे नहीं लिखे, नबी की नात लिखी, कुरान और हदीस की तर्जमानी की उन्होंने। आज भी उनका एक शेर पढ़ दें, अगलों की बड़ी बड़ी मेहनत बर्बाद हो जाती है। उन्होंने बता दिया नबी की मोहब्बत नहीं तो, अगर अल्लाह उनको पैदा ना करता, वो दूध का दूध पानी का पानी ना करते, तो ये बिकने वालों ने जो हाल कर दिया था, बताएं दीन बचता नहीं। तो आला हजरत ने मेरे आपके ईमान पर पहरा दिया है, हमारा दीन बचाया है, वो हमारे मोहसिन हैं। नबी की मोहब्बत सिखाई कि नबी की बात जब भी करनी है उनको आम आदमी नहीं कहना, उन जैसा खास तो कोई और है ही नहीं। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जैबा। क्या सिखा रहे हैं नबी के लिए, चुन चुन के लफ्ज लाओ, छांट छांट के लफ्ज लाओ, बस वो खुदा नहीं है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। देखो तुमने सारे नबियों का अदब करना है, सबको मोहतरम जानना है, मगर मेरा नबी सबसे, मेरा नबी सबसे। वो शायरी जो कर रहे हैं वो भी कुरान और हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं। मुझे बताइए अगर वो ना होते, इस तरह हम पर मेहरबानी ना करते, तो क्या होता, दीन को बिगाड़ा जाता। बर्कले यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, हम्फर या हम्फरे नाम लिया जाता है उसके एतराफात के हवाले से, उर्दू में भी लिटरेचर आ गया। ये वो शख्स है जिसको सिखाया गया था कि मुसलमानों को कैसे बिगाड़ना है, मुसलमानों, उसने सारी वो जो बात है मैंने आपको कहा ना, ये लोग जो करते हैं लिख देते हैं, उसने भी लिखा कि हिंदुस्तान में दो हस्तियों ने सबसे ज़्यादा काम किया। कहाँ, कहाँ, कितनी हस्तियों ने? उसने कहा एक हस्ती का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, जिन्होंने 95 लाख काफिरों को मुसलमान किया। वो लिखता है उसके तकरीबन 600 साल के बाद उसका वकील आया, उसका उसका नाम अहमद रजा है। जो काम इन्होंने किया है उस जैसा काम किसी और ने ऊंची। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों सुनो, यानी पढ़ो और जानो, आला हजरत किसी स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, उन्होंने बोरिए पे बैठकर उस्तादों से दीन सीखा। 14 बरस की उम्र में पहला फतवा लिखा और ये सिलसिला 50 साल जारी रहा। लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, उसमें उनको अल्लाह ने कितना नवाजा, 55 उलूम, कितने 55 उलूम में तो उनकी किताबें हैं। अल्लाह ने कितना नवाजा था अंदाजा हो सका, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह ताला ने सवाल आ रहा है दो लाइन का,
जवाब में 100-100 सफ़ा लिख रहे हैं। एक मर्तबा जो किताब पढ़ ली दोबारा खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी दिमाग में महफूज हो गई उस याददाश्त से। नहीं नहीं, मक्का मुकर्रमा गए, मक्का मुकर्रमा में ये जो दूसरे कहलाते हैं ना देवबंदी वगैरह, इन्होंने मक्का के हुक्मरान को जाके कहा कि हिंदुस्तान से एक शख्स आया हुआ है, उसका नाम अहमद रज़ा, वो नबी के इल्म गैब के बारे में जो बातें करता है वो कुफरियाँ हैं। उस वक़्त जो मक्का का हुक्मरान था उसने उनसे पूछा कि तुम जो कह रहे हो सबूत क्या है। उन्होंने कहा जी आप उससे सवाल कर लें, बुला लें, सवाल कर लें। उन्होंने समझा आला हज़रत अकेले आए हुए हैं, किताबें तो हैं नहीं उनके पास, क्या जवाब देंगे। उन्होंने सवाल नामा तैयार किया। आला हज़रत मक्का से मदीना जाने की तैयारी कर रहे थे। ये उस ज़माने की बात है जब मक्का से मदीना आदमी जाता था दो दो हफ्ते लगते थे, पैदल जाते थे काफिलों की शक्ल में। आज तो आप 4 घंटे में चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल। आला हज़रत मक्का मुकर्रमा से मदीना जाने की तैयारी कर रहे थे और इत्तफाक से आपको बुखार हो रहा था, जिस्मानी बुखार हो रहा था। सवाल नामा आ गया हाकिम मक्का शरीफ मक्का की तरफ से। आला हज़रत ने यह नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान जाके जवाब दे दूंगा, अभी तो मैं सफ़र में हूँ, वहाँ जाके जवाब दे दूंगा। नहीं, फरमाया कलम और दवात ले आओ। काबे की दीवार से लग के बैठ गए, 13-14 घंटे में उन तमाम सवालों के जवाब लिख दिए, किताबों के हवाले भी लिख दिए। जब हाकिम मक्का के दरबार में वो जवाब पढ़े गए, उन्होंने कहा इस जैसा आलिम तो इस वक्त दुनिया में नहीं मिलेगा। अंदाज़ा करें। और ये सब क्या था, ये सब नबी की आदत थी। अल्लाह करीम ने उनको नबी का ऐसा आशिक बनाया था और इतनी बरकत मिली कि उन्होंने जवाब दिए। साइंस की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, आप हर बार सुनते रहते हैं वो मेरे नबी के कितने आशिक थे। क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी के बारे में क्या कह रहे हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और नबी की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं, आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। और नबी की बारगाह में जाके मांगने वालों ज़रा सुनो, मेरा रज़ा क्या कहता है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहादी। दुर मोती को कहते हैं, बे बहा कीमती को। नबी से किसी ने इतना मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा। मोहब्बत देखो क्या कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो
के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी, कितना इल्म है। लोग कहते हैं उनको तुम आला हजरत क्यों कहते हो, बाकी सबको हजरत कहते हो, उनको आला हजरत क्यों कहते हो? तो हजरत के माने इज्जत वाली हस्ती या इज्जत वाली जगह। तो उस दौर में देखो ना, आज आपके यहां सूबा है, सूबा सिंध जिसमें आप रहते हो, तो उसमें कितने सारे वजीर हैं, मगर एक वजीर आला है। वजीर बहुत से हैं मगर एक वजीर आला। तो उस समझने के लिए बात की, उस दौर में जितने हजरत थे उन्होंने कहा ये हम में सब में, तो उनको आला हजरत कहते हैं। बड़े बड़े हजरतों ने भी उनको क्या कहा, आला हजरत। तो वो आला हजरत, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सिखाया, कुरान का तर्जमा किया, तफसीर लिखी, हदीस की शरह लिखी, हजारों सवालों के जवाब दिए, फतावा रजविया। असल 12 जिल्दें, अब तखरीज करके उसकी 36 जिल्दें बन गई हैं। किसी से वजन नहीं उठाया जाएगा, मतन कहाँ से उठाया जाएगा। और मैं जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, आला हजरत जो भी किताब का नाम रखते थे तारीखी रखते थे। क्या नाम रखते थे? तारीखी। नाम पढ़ के पता चल जाए कि कौन से सन में लिखी गई है, उसका साल मालूम हो जाएगा, अरबी नाम रखते थे। आज जो आला हजरत की किताबों का नाम सही पढ़ दे, मैं उसको आलिम मान लेता हूँ। सही जेर जबर के साथ पढ़ दे, उसको आलिम मान लेता हूँ। तो उनकी तो शान अल्लाह ताला ने बड़ी, उनको आला शान अता फरमाई थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, गौसे पाक के आशिक, उन्होंने उस 14वीं सदी में इन तमाम बेदीनों का रास्ता रोका, दीवार बन गए, इन सब की चालें नाकाम हो गईं। अल्लाह ताला ने आला हजरत को इज्जत अता फरमाई, उन्होंने नबी के दीन की खिदमत की तो अल्लाह ताला ने उनको शान अता फरमाई। देखें उनका मजमूए कलाम हदायक़ बख्शिश, हदायक जमा हदीका की, हदीका बाग को कहते हैं, बख्शिश के बाग। किताब का नाम देखें, बख्शिश के पहला शेर। ये किताब अल्लामा इकबाल को दिखाई गई लाहौर में, नई नई छपी थी आला हजरत का कलाम, किसी ने अल्लामा इकबाल को दिखा दिया। अल्लामा इकबाल ने पहला शेर पढ़ के कहा, जिसके कलाम का पहला शेर इतना अच्छा है, पूरा कलाम कितना अच्छा होगा। और उन्होंने कहा कि वो इतनी शान वाले थे कि अपने दौर के इमाम आजम अबू हनीफा, अपने दौर के पहला शेर क्या है, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। लफ्ज़ वाह फारसी का लफ्ज़ है, आप दूसरी जबानों में भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले वाह कब बोलते हैं, जब इंसान हैरान हो जाता है, जब इंसान हैं इतनी बात, इतनी शान वाली बात, तो हैरान होता है, जबकि ये गैर मामूली बात तो क्या उसके मुंह से निकलता है, वाह। तो आला हजरत कह रहे हैं, हुजूर आपकी सखावत ऐसी पूरी दुनिया में किसी और की, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो कोई मांगने आया, नहीं का लफ्ज़ तो नबी ने कहा ही नहीं।
कभी कुछ देने को ज़ाहिरी तौर पर नहीं हुआ तो नहीं, फिर भी कहा नहीं। तो हुज़ूर की सखावत क्या क्या पढ़े। वो कहते हैं आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान साहिबे खाना लकब किसका है तेरा। ये खान का लफ्ज आप कोई वो पठान वाला ना समझ लेना। खान का मतलब दस्तरखान। आसमान पे भी नेमतें, ज़मीन पे भी नेमतें, सारी दुनिया खा रही है, ये साहिब खाना कौन है? ये किसका सदका है हुजूर? ये आपका सदका है। सारी कायनात खा रही है, आपका सदका खा रही है। वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी। मैं आपको बताऊं, हम लोग जाते हैं जब मदीना मुनव्वरा, नबी पाक के चेहरा अकदस के सामने दो चार मिनट जब भी खड़े होने का टाइम मिल जाए, जी चाहता है कुछ कहें। अब अपने लफ्ज़ मैं सोचूं, कोई दूसरा आदमी सोचे तो उसको लगेगा पता नहीं मेरे लफ्ज़ हुजूर की शान के लायक हैं या नहीं, मुझे किस तरह कहना चाहिए, किस अंदाज में कहना चाहिए। सलाम आला हजरत को, वहाँ शेर याद आ जाते हैं, हम वही पेश कर देते हैं। क्या कहते हैं आला हजरत? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। अब नबी के सामने खड़े हैं, नबी को नूर मान रहे हैं, अब हुजूर से नूर मांगना है। मैं अपने लफ्ज़ चुनूं, मुझे आला हजरत के लफ्ज़ मिल गए, बात भी बन गई, काम भी हो गया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आसान हो गई बात या नहीं? आगे चले, और अब हुजूर से कहना है तो क्या कहेंगे? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ये अगर मगर ये ले लो, नहीं ये छोड़ दो, नहीं वहाँ ये नहीं है, सरकार ला नहीं तो कहते ही नहीं है। और हम मांगेंगे, रोकने वालों तुम रोकते रहो, हम मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। नाज है हमें उस आका पे, क्यों कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सुने, अपनी बात भी करनी है हुजूर के सामने, अपनी बात भी करनी है तो क्या कहते हैं? बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, ऐ मैं कैसा ही सही हूं तो करीमा तेरा। हुजूर जैसे कैसे हैं, आपके हैं, आप नहीं मुंह तुझसे छुपाएं, मुंह तो करें किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। किस्मत में लाख पेच हों सौ बल हजार कज, ये सारी गुत्ती एक तेरी सीधी नजर की है। मजा आता है या नहीं आता? तो ऐसी हस्ती को सलाम करें या ना करें? वो कहते हैं नेमतें बांटता जिसमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कलम दान साथ रख लो, जो मेरा हबीब कहता जाए करते जाओ। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम,
لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ماں سنی کون ہے اعلی حضرت سے سنو فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے, نبی کی شان بھی اپنے طور پر اظہار کر رہے ہیں وہ اعلی حضرت. انہوں نے تمام لوگوں کو جتنے بھی باطل فرقے تھے چھ کتابیں لکھیں ختم نبوت کے حوالے سے. نبی کی شان میں 500 کتابیں. کسی نے پوچھا نبی کو شہنشاہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں, پوری کتاب لکھ دی. کسی نے کہا نبی سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں, پوری کتاب لکھ دی. نبی پاک کی شان کی بات آ رہی ہے تو لگتا ہے اس کا نام تھا احمد رضا, وہ احمد کی رضا کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. نبی پاک کے دین کی وہ خدمت کی انہوں نے, بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں بہت نفع پہنچایا ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور سنو, سلام آپ کر رہے ہیں نا, انہوں نے بھی تو سلام کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ. ارے رحمت مانگنے والو, تم رحمت مانگتے ہو, اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ 100. کتنی ہیں؟ 100. سنی ہوئی ہے بات تو ٹھیک ہے, نہیں تو سن لو کتنی رحمتیں ہیں. سنو, بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. 100 رحمتیں ہیں, 100. ایک رحمت اللہ کی دنیا میں ظاہر ہوئی ہے, ان 100 میں سے ایک ظاہر ہوئی ہے, اس پر دیکھ لو کتنی مہربانی ہے. باقی 99 قیامت میں ظاہر ہوں گی. نبی کی امت کے لیے اللہ جو کرم فرمائے گا وہ بتا رہے ہیں. تمہیں رحمت چاہیے نا, تو جانِ رحمت مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جان, یہ جان ہے, روح الرحمہ, یہ جان ہے رحمت کی. ان کا دامن تھام لو بیڑا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضور کا سراپا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک شعر پورا اس سلام میں حضور کا سراپا لکھا. والد صاحب کو شوق ہوا, والد صاحب نے ان شعروں کی تشریح میں پوری کتاب لکھ دی. ذکر جمیل میرے والد صاحب کی شاہکار کتاب, جو پڑھے عاشق رسول بن جاتا ہے. کتنی محنت کی اعلیٰ حضرت نے. وہ زمیندار تھے, چاہتے کاروبار کرتے, بنگلے بناتے, کوٹھیاں بناتے, سیر کرتے, نہیں لکھ رہے. جب سونے کا ٹائم آتا نا تو دونوں ہاتھ یوں جوڑتے اور دائیں گال کے نیچے رکھ کے, ٹانگیں نہیں پھیلاتے تھے, جسم سمیٹ لے. بائیں طرف سے کوئی دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کا جسم لفظ محمد کی شکل بنا ہو. خود خود فرماتے ہیں جس دن سے مجھے پتا چلا نا بغداد اس طرف ہے, فرماتے ہیں میں نے کبھی ادھر پاؤں نہیں کیے. ریاضی کے ماہر, جغرافیہ کے ماہر, علم الاعداد کے ماہر, توقیت کے ماہر, کیمیا کے ماہر, حیات کے ماہر, تمام اللہ تعالی نے اتنا نوازا. ہم
104 साल हो गए आला हजरत को वफात पाए, अभी तक आला हजरत का इल्म नहीं शुमार कर सके। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं और नबी के गुलाम का इल्म नहीं गिन सके, नबी का इल्म कौन गिनेगा। मैंने आपको बताया था ना, यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो सर सैयद ने बनाई थी, उसके जो चांसलर थे डॉक्टर सर जियाउद्दीन, उनके नाम से कराची में हॉस्पिटल बना हुआ है, ये उस वक्त चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, रियाजी का मैथमेटिक्स का इनको एक सवाल ऐसा पड़ गया कि उसका जवाब नहीं मिल रहा था। उस वक्त उन्होंने जितने भी रियाजी के माहिर थे उनको ख़त लिखा, किसी से जवाब नहीं मिला। उनको किसी ने बताया आपको इसका जवाब मिलेगा जर्मनी में, वहाँ पर वो कोई माहिर बैठे हैं, वहाँ जाएं तो वहाँ आपको शायद जवाब मिल जाए। उन्होंने तैयारी कर ली, सामान तैयार कर लिया उस ज़माने के हिसाब से जो कुछ अपना। उनके साथ यूनिवर्सिटी में थे जनाब सैयद सुलेमान अशरफ साहब, वो आला हजरत के मिलने वाले थे। उन्होंने वाइस चांसलर से कहा ये जर्मनी जा रहे हो हज़ारों मील दूर, अलीगढ़ से 55 मील का फासला है बरेली, मेरे साथ ज़रा चलो आला हजरत से मिल लो। वो कहने लगे बड़े बड़े रियाजी दान जवाब नहीं दे रहे, एक मौलवी क्या जवाब देगा। उनका चलो तो सही, बार बार कहा कि चलो आपको जवाब ना मिले कोई बात नहीं, आपको पास गाड़ी अपनी है जनाब, आपको पेट्रोल का किसी चीज का खर्च नहीं है, घंटा सवा घंटे का फासला है, चले। वो मान गए। उधर ये चूंकि डॉक्टर थे, टाई लगाते थे, आला हजरत टाई के बड़े मुखालिफ, अंग्रेज़ी लिबास के बड़े मुखालिफ, वो सुलेमान अशरफ साहब ने आला हजरत को कहा मैं लेके आ रहा हूँ, आते ही ना डांट दीजिएगा, पहले ज़रा दिल पकड़ लीजिएगा, फिर इनको प्यार से सिखा दीजिएगा, आ रहे हैं को मसला पूछना है। आला हजरत ने फरमाया ले आओ। ये लोग जनाब कॉलेज का टाइम ख़त्म हुआ, बैठे, जिस वक़्त पहुँचे तो असर की अजान हो चुकी थी। अलीगढ़ से बरेली पहुँचे तो आला हजरत ने आस्तीन चढ़ाई हुई थी वुजू करने के लिए, ये पहुंच गए। जब पहुंचे तो आला हजरत ने फरमाया बताइए आपका क्या सवाल है। उन्होंने कहा जी मेरा सवाल बड़ा खास है, आपने वुजू करना है, वुजू करें, नमाज पढ़ें, उसके बाद। आला हजरत ने कहा बताएं तो सही। वो समझता था उसकी नजर में कि वो सवाल पता नहीं कितना खास है, ये इस तरह आराम से बात कर रहे हैं। आपने आला हजरत ने कहा कहिए तो सही। उन्होंने कह दिया। आला हजरत ने यह नहीं कहा कि अच्छा फिर नमाज के बाद जवाब दूंगा, उसी वक्त जवाब दे दिया। आंखें खुली की खुली रह गई वाइस चांसलर की, और दुनिया के बड़े बड़े रियाजी दान तो सोच रहे इसने मिनट नहीं लगाया और जवाब दे दिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा मैंने सुना था इल्मे लदुन्नी कोई चीज होता, आज मैंने देख लिया है। दाढ़ी रख ली उन्होंने, नमाजी हो गए थे। फिर आला हजरत से कितने और मसले हल करवाए उन्होंने। ये जो सवाल है मुझे बड़ी तलाश के, इस सवाल कौन सा सवाल था। एक अखबार छपता था रामपुर से, दबदबाए सिकंदरी, उसमें ये सवाल छपा था। अब उसकी कुछ फाइलें कुछ लोगों के पास हैं, दुआ करो वो सवाल सामने आ जाए, पता लग जाए कि आला हजरत से कैसे कैसे सवाल होते थे और वो कितनी आसानी से जवाब देते थे। आज आपके पास ये नक्शे बने हुए मिलते हैं, अजान कितने मिनट पे देनी है, नमाज कितने मिनट पे होनी है, पूरे साल के नक्शे मिल जाते हैं, आप मस्जिदों में लटका लेते हैं। इसको इल्मे तौकीद कहते हैं, वक्त का इल्म। ये आला हजरत ने अपने एक शागिर्द हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी को सिखा दिया, ये वो सिखा के गए। समते कैसे, नहीं नहीं आज 104 साल हो गए, आज आपने अमेरिका डाक भेजनी हो, अब तो आपके पास ईमेल होती है, व्हाट्सएप होता है, या फिर आपके पास हवाई जहाज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में आपका ख़त चला जाएगा वहाँ पर। उस ज़माने में जबकि ये सारी सहूलतें नहीं थी, अमेरिका से भी आला हजरत के पास सवाल आते थे। 1996 में मुझे शिकागो में लोग मिले, अमेरिका की एक मशहूर रियासत है, इलिनॉय उसको कहते हैं, शिकागो उसका मशहूर शहर, वहाँ मिले कि जी हमें किबला की समत का मसला है।
कि साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है। मैंने कहा मुझे याद पड़ता है, मैंने आला हजरत के यहाँ ये पढ़ा हुआ है। उनका पक्की बात है। मैंने कहा निकालो फतावा रजविया। वो अभी 3 दिन नहीं गुजरे थे, आला हजरत ने जवाब वहीं दे दिया। अमरीका वाले आज नमाज पढ़ रहे हैं, आला हजरत किबले की समत उनको भी सिखा गए हैं। ये मेहरबानी है उस हस्ती की, हम आज उनके नाम पर जमा हैं। अफसोस कि आज कुछ लोग आला हजरत के बारे में नामुनासिब बातें करने लग गए। मेरा उनको ये कहना है, तुमने अगर आला हजरत के नाम पे हलवे खा लिए, आला हजरत के नाम पे तुमने मदरसे इदारे बना लिए, शोहरत हासिल कर ली, जो करना था किताबें छाप के बेच ली, सब कुछ, ये बताओ आला हजरत पर अमल कितना किया। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी सुन्नतों के नबी पाक के तरीक़े के कितने पाबंद थे। शायरों ने यहाँ तक कहा जिसकी हर हर अदा सुन्नतें, देखने वालों ने गैरों ने माना। आज तुम लोग उन पर अमल नहीं कर रहे और बातें कर रहे हो। सुनो, तुम अगर आला हजरत को नहीं मानते तो हम तुम अदना हजरत को नहीं मानते। समझ आ गई? हाँ, किसी मसले में तुम्हारी तहकीक फिकी मामला है, तुम समझते हो तुम्हारे दलाइल तुम जानो, मगर अकीदे के बाब में आला हजरत ने जो तर्जमानी की है अहले सुन्नत की, सहाबा आले बैस से लेकर अब तक, वो हमें सिखा गए हैं हमने नबी का दामन छोड़ना। आला हजरत की निस्बत से हमको बरेलवी कहा जाता है, हम बरेलवी नहीं है, हमें बरेलवी कहा जाता है। ये गैरों ने लकब दिया, हमने कबूल कर लिया। क्यों? कि ये सुन्नियों की असल पहचान का लकब बन गया। भाई मैं उकाड़े का उकाड़वी, कोई दिल्ली का दिल्ली, कोई लखनऊ का हैं, कोई लाहौर का लाहौर ही होगा, तो बरेली का रहने वाला बरेलवी कहलाए। मगर आला हजरत की निस्बत से हमें बरेलवी कहा जाता है। क्या मतलब? हम वो सुन्नी हैं जिनकी तर्जमानी आला हजरत बरेलवी ने की है। मैंने आपको ये बात समझाई थी, चलो फिर समझा देता हूं। जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है आप में जो बैठे हो, वो इस बात की गवाही देंगे, जो 70 से कम है वो शायद ना दें। ये जिसमें खाना पकाते हो उसको घी कहते हो, क्या कहते हो? घी। इसको सिर्फ घी कहा जाता था 70 साल पहले। क्या कहा जाता था? घी। कभी खालिस देसी असली नाम नहीं, सिर्फ घी, क्योंकि होता ही एक था। फिर निकल आया वनस्पति। क्या निकल आया? जब वनस्पति निकला तो अब कहना पड़ गया फर्क करने के लिए कि ये असली नहीं है, ये असली है, ये देसी ही जो है ना, ये खालिस है, देसी है, असली है, फर्क करने के लिए कहना पड़ गया। पहले सिर्फ घी कहते थे, अब असली घी, देसी घी, खालिस घी। वनस्पति नहीं था तो सिर्फ घी, पहले सिर्फ सुन्नी थे। जब दूसरे निकल आए, समझ गए हो, हैं? उन्होंने भी अपने आप को सुन्नी कहना शुरू कर दिया, तो अब फर्क कैसे करें? अब बताना पड़ा कि असली सुन्नी वो है जो बरेलवी है। असली सुन्नी कौन है? जो बरेलवी है। तो ये सही सुन्नी की पहचान का लफ्ज़ कभी नहीं कहना नेरा बरेलवी, क्या कहना है? सुन्नी बरेलवी। क्या कहना है? हाँ, बरेलवी किसी फिरके जमात का मजहब का नाम नहीं है। ये आला हजरत की निस्बत लगा के बताते हम वो सुन्नी हैं जिनकी तर्जमानी आला हजरत ने की है। हमारे अकीदों का उन्होंने तहफ्फुज़ किया, उन्होंने खुद कोई नया अकीदा हमें दिया नहीं। शायरी पढ़ो, किताबें पढ़ो, उनकी तमहीदे ईमान ही पढ़ लो। पढ़ो तो सही ना, पता चले कि उस बंदे ने कितनी मेहनतें की हैं। 65 बरस की उम्र पाई, 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी, 25 सफ़र को वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। मिर्ज़ा कादियानी नबूवत का झूठा दावेदार,
उस ज़माने में मैंने आपको कहा ना, फासले थे, आला हज़रत यूपी में, इधर गुरदासपुर, कादियान, ये जो करतारपुर बनाया ना नया सिखों का, इसके पड़ोस में ही 4 मील के फासले पे कादियान, इधर पंजाब में उसने अंग्रेज़ की साजिश, सियालकोट में इंटरव्यू हुआ, 4 आदमियों का इंटरव्यू अंग्रेज़ ने लिया कि इनमें से किसको नबी बनाना है। ये बात को ज़बानी ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मौजूद है, उनके नाम मौजूद है। मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया, अल्लाह ने पीर मेर अली शाह को खड़ा कर दिया। गोलड़े के ताजदार आलिम थे, फाजिल थे, बुज़ुर्ग थे। उस वक्त जितने भी उलमा थे ना इस इलाके में, उन्होंने भी इनको अपना इमाम मान लिया। क्यों? क्योंकि देवबंदी वहाबी फंसे हुए थे, उनके अपने अकीदे गड़बड़ हुए हुए थे। उन्होंने कहा मिर्ज़ा बड़े चमत्कार, कोई करिश्मा दिखाएगा तो मुकाबले पे तगड़ा आदमी होना चाहिए, जो आलिम भी हो, वली भी हो, करामत भी दिखानी पड़े तो दिखा सके। तो हज़रत पीर मेर अली शाह पर सब मुत्तफिक हुए। 1900 या आज 2022 है ना, 1900 यानी 122 साल पहले पीर मेर अली शाह ने चैलेंज किया था शाही मस्जिद लाहौर में, सारे मुसलमान जमा हुए, मिर्ज़ा आया। मिर्ज़ा ने कहा जी मैं एक तफसीर लिखूँगा, ऐसी लिखूँगा कि जी मुकाबला करें, पीर साहब भी लिखें, मैं भी लिखूँगा। और नबियों ने किताबें लिख के मुकाबला किया, नबूवत का दावा कर रहा है जी, किताब लिखूँगा, देख लेना जिसकी तफसीर अच्छी होगी, तो जिसकी तफसीर अच्छी होगी उसको नबी मान लेंगे क्या? कैसी बात? पीर साहब ने जवाब दिया, क्योंकि ताली नहीं थी, खुद नुमाई नहीं थी, खुद को बड़ा नहीं कहते थे, फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं वो सिर्फ कलम को कह दें, कलम खुद लिख देगा। यानी अल्लाह ने पीर साहब को ये शान भी अता की थी। मुकाबला किया उन्होंने पीर साहब ने, और उस कादियानी का कला कमा किया। फिर पीर जमात अली शाह साहब बीच में आए, ये ताजदार गोल्डा, माशाअल्लाह उनकी किताबें भी मौजूद, बड़ी खिदमत की है इस इलाके में। नबी के कितने आशिक थे, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। पोठोहारी जबान, पंजाबी का पोठोहारी लहजा, कितनी प्यारी बात है। फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना खां के जान जहाना खां, सच आखां ते रब दी शाना खां, जिस शान तो शाना सब बनिया। सफ़र कर रहे थे, मदीना मुनव्वरा से मक्का आ रहे थे, कभी असर की सुन्नतें नहीं छोड़ी थी, सफ़र में उस दिन छूट गई। हुज़ूर ख्वाब में मिले, फरमाए मेरे पास आके मेरी सुन्नतें छोड़ते हो। तो जब ख्वाब से जागे तो पीर साहब के मुंह पर ये मिसरा था जिसको पूरा किया। क्या फरमाते हैं, सुबहानअल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किते मेरे अली किते तेरी सना, किते मेरे अली किते तेरी सना, गुस्ताख किया किते जा अड़िया, सिर सदके जान निसारो सुतों, जिदा नाम लिया डुबिया तरिया।
मुख्तसरन इन चार हस्तियों का थोड़ा सा ज़िक्र किया। सोचा था कुछ ज़्यादा लेकिन टाइम कम मिला। हमने आज इन चारों के नाम से अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करनी है, मौला उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त ज़रूरत है तेरे नबी के किसी सच्चे ग़ुलाम की, जो आए हमारे दीन की हमारे ईमान की भी हिफाजत करे, जोग्राफियाई नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करे। मौला भेज किसी को, कोई नबी का सच्चा ग़ुलाम आए आज फिर, और फिर दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ये इस मुल्क को बनाया था नबी के नाम पर, इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर नामी कानून बनेगा कि जी कोई भी लड़का अपने आप को लड़की लिखवाना चाहता है लड़की लिखवा दे, लड़का लिखवाना चाहता है लड़का लिखवा ले, लड़का लड़के से शादी करना चाहे लड़की लड़की से। ये कानून बनाया पाकिस्तान में, डूब मरने का मकाम है या नहीं? जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने इसमें तआवुन किया, अल्लाह इन सब से पाकिस्तान को पाक कर दे। हमें ऐसे बेदीनों की ज़रूरत नहीं। देखो अल्लाह ने दो बनाए हैं, मर्द और औरत। ये जो तीसरे बताते हैं ना, ये तीसरी नहीं है, ये बीमारी है। हिजड़ा होना, ख्वाजा सरा होना बीमारी है। आप उनके हुकूक़ की बात करते हैं ज़रूर करें, मगर ऐसा कोई कानून जो शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा मुसलमान बर्दाश्त कर सकते नहीं। हमें यहाँ पर बेहयाई नहीं चाहिए, गंदे ड्रामे नहीं चाहिए, हमें यहाँ लादीनी बातें नहीं चाहिए, हमें यहाँ नबी का निज़ाम चाहिए। हमें हकूमत की शरीयत नहीं चाहिए, शरीयत की हकूमत चाहिए। हैं, हकूमत का इस्लाम नहीं चाहिए, समझ आए? इस्लामाबाद का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें असली इस्लाम जो नबी से सहाबा आले बैत से आया है वो चाहिए। तो जितने ये सियासी हैं मदारी, आप उनको सियासतदान कहते हैं, इनमें से कोई ना दीन का दोस्त है ना कोई वतन का दोस्त। अल्लाह ताला हमें सच्चे सुन्नी मुसलमान हुक्मरान अता फरमाए और इस मुल्क को आफतों बलाओं से महफूज। मुझे बताओ जब इस तरह के कानून बनाएंगे तो ये सैलाब और तबाहियाँ आएंगी या नहीं आएंगी? ये सब हमारी शामत आमाल है और हम लोग सो रहे हैं। नहीं जी मौलवी, अब देखो महंगाई का हाल देखो, उनको परवाह है? अच्छा जी IMF ने कहा है कि बिजली का बिल बढ़ा दो। IMF ये क्यों नहीं कहते कि वजीर आजम की तनख्वाह आधी कर दो, वजीरों की तनख्वाहें आधी कर दो, इनके पेट्रोल बंद कर दो, इनके जो ना आप दूसरे खर्चे। सिर सारा जोर आपका आवाम पर ही चलना है, अपने आवाम को ही न छोड़ना है, इसलिए कि आप आवाम के दोस्त नहीं है, आप पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, आप इस्लाम के दोस्त नहीं है। ये जुल्म कर रहे हैं, इनको कब्र याद नहीं, लग जाएगा पता इनको सबको। ये 1500-1600 हैं सारे जितने मिल मिला के सारी पार्टियों के, इन सबको दे छुट्टी, अब इनकी ज़रूरत। नया खून लाओ ईमान वालों का, नौजवानों को लाओ आगे, और मुल्क को संभालना है तो अब हम लोग भी दीन की बातों से भागने लग गए, हमारे यहाँ भी मिजाज जो हो गया। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। मैंने मोहब्बत से इन चार हस्तियों का ज़िक्र किया, हालांकि थका हुआ आया हूँ, बहुत ज़्यादा थकन में मुसलसल सफ़र, लेकिन मोहब्बत से पहुँच गया, थोड़ी सी देर हुई उसकी एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सालाना मीलाद शरीफ और वालिदा माजिदा का उर्स ख़वातीन मनाती हैं हमारे यहाँ मजलिस ख़वातीन, औरतों का एक ग्रुप, वो चांद की 2 तारीख को, 21 तारीख को, महीने में 2 दिन दुरूद शरीफ का हलका होता है 92 मिनट, नबी पाक के नाम के अदद 92 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नात पढ़ के दुआएं करते हैं, कितनों के मसाइल हल हो गए कितनों की। तो ये बच्चियां यहाँ जो आती हैं ये सारे के सारी मेहनत करती हैं और तैयारी करती हैं, तो सालाना मीलाद मनाया जाता है।
24-25 साल से मना रही हैं, और फिर वालिदा का 2005 से उर्स भी ये साथ ही मनाती हैं। तो इंशाअल्लाह ख्वातीन का ये सालाना मीलाद हफ्ता 29 अक्टूबर को होगा। इसमें किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं, लड़कों को भी आने की इजाज़त नहीं। ख्वातीन और टाइम ऐसा रखा है कि मस्जिद में लोग ना हों ताकि उनकी आवाज़ भी दो मर्दों तक ना जाए। तो वो अपनी महफिल करेंगी हफ्ता 29 अक्टूबर को, सुबह 11 बजे से शुरू होगा, असर से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ये तारीख़ में